नमस्कार, मैं साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं देश की राजनीति का क्या है हाल। ना पुष्टि कर रहा ना खंडन, वाराणसी से प्रियंका के चुनाव लड़ने को लेकर राहुल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने की अटकलों पर कहा है, मैं आपको सस्पेंस में छोड़ता हूँ, सस्पेंस हमेशा बुरा नहीं होता। बकौल राहुल, ना वह इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और खंडन भी नहीं कर रहे हैं। दिन में 100 बार भी नहाओगे रहोगे काला भैंसा। कुमार स्वामी से बीजेपी नेता। कर्नाटक के पूर्व बीजेपी विधायक राजू केंगे ने मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी को लेकर कहा है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार अपने कपड़े बदलते हैं, वह गोरे और सुंदर है लेकिन तुम दिन में 100 बार नहाओगे तो भी काला भैंसा ही रहोगे। इससे पहले कुमार स्वामी ने कहा था, मोदी जी चेहरा चमकाने के लिए वैक्स व मेकअप का इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी बना रही है राजनाथ सिंह को रिटायर करने की योजना। अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी गृह मंत्री राजनाथ सिंह को रिटायर करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि 2014 में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करने वाले पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और इस बार बीजेपी ने सोचे समझे कदम के तौर पर राजनाथ से घोषणा पत्र जारी करवाया था। तो देश की राजनीति में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।